गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ एक क्या बोलते स्पेशल गेस्ट मैं लेके आया हूँ आपसे, जो इंडिया से अभी आए हैं, एक महीना ही हुआ है इनको, और यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में आए हैं और यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो आप मैं आपको इनसे बोलता हूँ, थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दे। हेलो गाइस, मेरा नाम जय जय है, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं यहाँ पे MBA करने आया हूँ, 2 साल का MBA है यहाँ पे। और मैं भैया से ही पूछ के आया था कि कैसा क्या है यहाँ का सीन है, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आप ये बताइए कि आप वहाँ इंडिया में कौन सा कोर्स कर रहे थे? इंडिया में एक्चुअली मैं MBA ही कर रहा था, अपना BBA कंप्लीट करके। अच्छा। और मैं एक बार हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पे आया था, तो मेरे को इतना अच्छा लगा वहाँ का, मैं MBA ड्रॉप किया। अच्छा। और मैं सीधा यहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे आपने MBA करा, तो आप मेरे को बस एक रफली बता दीजिए कि इंडिया में आपकी MBA की कॉस्ट कितनी थी, ओवरऑल कॉस्ट? मैं एक्चुअली मेरे वो होम सिटी में कर रहा था, तो मेरे को बस 13 लाख रुपये पड़ रहा था फीस। मतलब नॉर्मल यही प्राइस है ना? हाँ, तो 10 लाख से ऊपर पड़ता है। या अगर अच्छे अच्छे कॉलेज में आप जाओगे, नॉर्मल कॉलेज में जाओगे, टीयर टू कॉलेज में जाओगे तो 10 से ऊपर है। हाँ, तो बट मैं फिर यहाँ पे आया, यहाँ के लोगों से मिला, तो मेरे को किसी को भी नहीं पता है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ कैसा है। बैंकॉक हम लोग अलग ही परसेप्शन से देखते हैं, बट जब मैं यहाँ के लोकल लोग से मिला, मैं आके यूनिवर्सिटी देखा, तो मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। जैसे मेरे क्लास में मेजोरिटी जर्मन्स भर रहे। आप पहले बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? मैं सियाम यूनिवर्सिटी में हूँ। सियाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आप MBA कर रहे हो? MBA कर रहे हैं, इंटरनेशनल MBA कर रहे हैं। इंटरनेशनल MBA फर्स्ट सेमेस्टर? हाँ, ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और अभी एक महीना ही हुआ है आपको? एक महीना हुआ, जस्ट आज ही एक महीना हुआ। आज ही एक महीना हुआ है। और आपके स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो कि जर्मन्स हैं, फॉरेनर्स हैं सारे? मतलब मोस्टली जर्मन्स हैं, म्यांमार के हैं, इंडियंस कम है। इंडियंस कम है, बट लोकल थाई? लोकल थाई भी है, बट बहुत सारे नहीं है। और मतलब ये तो MBA में हो गए, पर जनरल जो? जनरल में सभी को ही है, सभी को ही है। मतलब जैसे अपना परसेप्शन है कि बैंकॉक में सिर्फ मतलब अलग ही सिर्फ टूरिस्ट वाले लोग आते हैं, नहीं, यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया से आप कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे मेन आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। और पहला बात, फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है। और जैसे मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली जर्मनी में, ये यूनिवर्सिटी H2 कैटेगरी में आती है। अच्छा। तो ये कैटेगरी वाइज वो किया हुआ है, जिसमें H1 होता है, H2 होता है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे, आई थिंक वो जो उनका 1 साल का 6 महीने वाला कोर्स होता है, या फिर वो प्रॉपर उन लोग एक्सचेंज प्रोग्राम में भी आते हैं और वैसे भी आते हैं? मोस्टली मेरे जितने फ्रेंड्स, राइट राइट राइट, तो उन लोग पूरे शिफ्ट हो गए यहाँ पे, पूरे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों को एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ, राइट राइट, जो बैंकॉक जिसके लिए फेमस है, आपको पता है। मतलब स्टूडेंट केवल स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं, वो सारी चीजें हैं, सब कुछ। आपको पार्टी करना है, आपको जो करना है आप अब कर सकते हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ, और बहुत महंगा भी नहीं, बहुत महंगा। आपकी यूनिवर्सिटी एक तो पर सेमेस्टर बता दीजिए और टोटल फीस बता दीजिए। मेरा पर सेमेस्टर अप्रॉक्स, मैं टोटल बताऊँ, इट्स समथिंग 2,20,000 बाट। 2,20,000 बाट है बस, और डिपेंडिंग अपॉन करेंसी, करेंसी ऊपर नीचे करके वो 5-6 लाख पड़ती है। और ये अच्छी कॉलेज की, ये मतलब टॉप कॉलेज की है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों जाके कैंपस भी विजिट करेंगे, आपको पूरा कैंपस दिखाएंगे, क्लासरूम दिखाएंगे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट दिखाएंगे। तो ये है उसमें। और उसके बाद आप बताइए कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी बिकॉज एक तो फीस अच्छी है इसके बारे में और टॉप में भी है। मतलब मैं ये यूनिवर्सिटी, मेरा मेन रीज़न था मेरे को बैंकॉक में जाना, राइट, यहाँ पे बहुत और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, राइट, जो 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर है, राइट राइट राइट। मेरे को थोड़ा मेरा लाइफस्टाइल वो अच्छा, अगर आपको सिटी के आसपास रहना है तो सियाम यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड चॉइस। हाँ, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी के सामने एक MRT या मेट्रो जो अपने बोलते हैं, मेट्रो, आपको आराम से कहीं भी जाना है, जहाँ पार्टी करने जाना है, जहाँ करने जाना, जहाँ जाना है। तो ये तो होगी आपकी, ये होगी क्या बोलते क्लासरूम एजुकेशन एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज आपने MBA भी करी है, सिमिलर है, हार्ड है या इजी है? मतलब अगर आप इंडिया में BBA या BCom जो भी आप करके आ रहे हो, आप सोच अगर आप 12th के बाद भी आ रहे हो, सब BBA करने भी आ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग BBA करने सबसे ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, MBA से ज्यादा मेरे को BBA अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, अंडर ग्रेजुएट में बहुत लोग आते हैं। तो मेरे को जो भी ये अब क्या पूछे थे कि क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी हार्ड है आपकी क्लासेस या आसान है? बहुत इजी है, अगर आप मतलब आप सोचोगे कि आप मास्टर्स कर रहे हो, बट आप इंडिया का बैचलर्स कर रहे हो। और आपके टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बहुत अच्छे हैं बात करने में, आप मतलब, हाँ, बस आपको बात करने का आना चाहिए, आना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं,
इंग्लिश लाइक इंग्लिश रिक्वायरमेंट, लाइक अगर आप यहाँ पे आ रहे हो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, लाइक यू कैन नॉट जस्ट क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए या थाई आनी चाहिए? या थाई आनी चाहिए। तो इंग्लिश आपको कोई वैसा नहीं, बेसिक वाली चाहिए, बेसिक चाहिए, मतलब अपनी क्लास 10 वाली इंग्लिश। हाँ, क्लास 10 मतलब क्लास मतलब 10th 11th 12th की जो होती है, क्योंकि वही आपका यूजुअली आपका होगा। कोई मतलब किसी को ये डरना नहीं है कि वो मेरे को इंग्लिश नहीं आता, बट ये वैसा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत आती है तो यहाँ पे आपका चल जाएगा, आपका चल जाएगा। अब आगे, अब आपके फ्रेंड्स कैसे, मतलब आपके फ्रेंड्स हैं वो मिक्स फ्रेंड्स हैं, इंडियंस हैं, कैसे बने? नहीं, मेरे तो एक दो इंडियन फ्रेंड है जो मोस्टली थाई है, राइट, सिटीजन से बोलने का थाई है, और मेरे सारे फ्रेंड्स जर्मन। आपके फ्रेंड जर्मन है, मतलब आपकी मेजोरिटी क्लास में जर्मन, जर्मन से भरती है, और म्यांमार के लोग हैं, चाइनीज है, चाइनीज है, मतलब कहते मल्टी कल्चरल, पूरा मल्टी कल्चरल। तो मैं एक वीडियो भी मैं भेज दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन स्टूडेंट, राइट, मैं वीडियो लगा दूंगा, हाँ, तो आप देख सकते हो पूरी क्लास में। वैसे हम कैंपस भी जाएंगे, विजिट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें वो आइडिया हो जाएगा। ये तो हो गया, फिर आपके बताइए कि हम आते हैं, अब आपकी एकोमोडेशन आपको कैसी पड़ी है, या अच्छी है या बुरी है, या और अकाउंट प्राइस भी हमें आप थोड़ा डिटेल दे दें। वो पूरा डिपेंड करता है आपको कैसे रहना है, कैसे रहना है। अगर आपको एकदम लो में रहना है तो आपको 3000 बाट में भी, 3000 बाट पर मंथ यू कैन रेंट अ रूम विद शेयरिंग। हाँ नहीं, हाँ शेयरिंग में भी आप कर सकते हो, जैसे आपको, हाँ यूनिवर्सिटी के भी कॉन्डोज है, right. जो 5000-5000 भाट लगते हैं, इट्स लाइक 12,500 जिसमें आपको दो बेड मिलते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग दो लोग शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग में, ठीक। वन थिंग, आपको 12,000-12,500 में आपको यूनिवर्सिटी के पास मिल जाएंगे, बट मैं जो लिया हूँ वो मेरे को INR में 17,000 पड़ रहा है, राइट, INR वो मेरे एक्चुअली वो 13 फ्लोर पे है, बहुत अच्छा व्यू है। तो सी डिपेंड करता है, अगर आप कोई भी कंट्री जाते हो अपॉन योर ओन बजट, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि लोअर भी काफ़ी लो अमाउंट है जो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ेगा, और हायर में तो आप यार कितना भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको 8,000 से मिलेगा, आपको 2-3 लाख वो जितना वो आपके ऊपर है, पर बेसिक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 6,000-7,000 बाट में अच्छा अकोमोडेशन विद रियली गुड फैसिलिटीज, जिनमें स्विमिंग पूल है, जिम है, मेरे रूम का भी अपने टूर करेंगे, तो मेरा तो रूम का भी दिखाएंगे इनको पूरा टूर, मेरा कॉन्डो दिखाएंगे आपको। 380 स्क्वायर फीट का मेरा रूम है, जिसमें एक ड्राइंग रूम है, बहुत अच्छा वॉशरूम है, बालकनी है, और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। तो आप वो पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे, मतलब कि आप ये समझ कि आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हो उसका आप एक्चुअली फ़ायदा उठा रहे हो, उल्टा बिकॉज मेरा जो रूम है वो इंडिया में अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में तो, लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो समथिंग 40,000 रुपये के नीचे आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो ये तो है कि आप एकोमोडेशन एज अ स्टूडेंट यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, आप थोड़ा इससे कम में भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका काफी है, 8,000-7,000 में भी मिल जाएगा। right, मेरे को एक्चुअली मिला था, और ऐसा ही मिला था, बट वो दूर था, दूर था, तो मेरे को दूर में नहीं रहना था, मेरे को यूनिवर्सिटी के पास। हाँ, क्योंकि शुरू में तो लोग रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास रहो, फिर आप अपनी सिटी डिस्कवर करते हो, देन यू कैन चूज वेयर यू वांट टू, मतलब कहाँ पे आपको रहना है। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद आ जाते हैं मेन, जो सारा जो स्टूडेंट्स को मेन है, या नाइट लाइफ, और आप उसके बारे में बताइए, तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर स्टूडेंट। बैंकॉक का मतलब ही है नाइट लाइफ, नाइट लाइफ यहाँ पे, ये जैसे अपने बॉम्बे को बोलते हैं, राइट, नहीं है तो ये भी नहीं सोता, ये भी नहीं सोता, और ये यहाँ पे पागलपन है और मल्टी कल्चरल है। हाँ, यहाँ पे आपको सारे कंट्रीज के लोग मिलेंगे, तो ये बड़ा एक मिथ है, लोग सोचते हैं कि आपको सिर्फ थाई मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, और थाई तो बहुत अच्छे हैं, मतलब थाई तो है ही, पर आपको मल्टी कल्चरल सारी कंट्रियां जो आपको, मतलब सब कंट्री के लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज, सारी एशियन कंट्री, हर जगह के आपके लोग मिलेंगे, तो उसका आपका नेटवर्किंग बड़ा अच्छा होता है। तो आप जब पार्टी वार्टी करने जाते हो, एक्सपेंसिव पार्टी है, सस्ती पार्टी है, कैसे सस्ती पार्टी है मतलब सस्ती मीन्स अगर आप जा रहे हो एज कम्पेयर टू इंडिया, हम क्योंकि हम इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया में आप कोई अच्छे जगह जाके आप पार्टी करोगे आपको 2-3 हज़ार रुपये लगेगा इजीली, सेम यहाँ पे 2-3 हज़ार में आपको पार्टी हो जाएगा, और वो भी मतलब एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा। और मतलब सेफ्टी के बारे में बताइए, सेफ्टी तो यहाँ पे आप लड़कियाँ 4 बजे सुबह, 5 बजे रात में, 2 बजे पैदल जाती है, कुछ भी यहाँ पे सेफ्टी का इशू ही नहीं, बिल्कुल मतलब भी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब आप 12 बजे के बाद अगर कोई अकेला बंदा या लड़की भी आना चाहती है यहाँ पढ़ने,
क्या बोलते हैं एज अ स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हो बहुत टॉप लेवल की यहाँ पे सेफ्टी है। बट अगर न्यूज़ में आप सुनोगे कि ऐसा कुछ खराब हो गया, बट वो आप खुद ही कुछ गलती किए होंगे तभी होगा। न्यूज़ में भी आप सुनते नहीं हो, मतलब बहुत रेयर केसेस हैं आप सुनोगे किसी का रेप हो गया या किसी का स्नैचिंग हो गई। बहुत स्नैचिंग का ना पटाया में दो तीन वहाँ पे होता है, बट होता नहीं है। मतलब जहाँ पे गलती खुद करोगे तो देख, हम टूरिस्ट जगह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लिटरली जहाँ पे लोग नॉर्मल रह रहे हैं, नॉर्मल रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टूरिस्ट जगह तो वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी जाओगे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाती है। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आदमी जो जॉब्स का अगर सोचा है कि थाईलैंड में सिर्फ टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे बहुत जॉब्स है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या सोचते हो कि आपके भी फ्रेंड्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो लोग सोचते नहीं कि लोग थाईलैंड में भी जॉब कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे मेरी एक यहाँ पे फ्रेंड आई है, उसको इजीली अभी इंग्लिश टीचर का जॉब लग गया, और समथिंग इंडिया में वो 70,000 पे कर रहे इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में मोर देन 70,000, मोर देन 70,000, आई थिंक 75, हाँ मतलब एक महीने के 75,000 रुपीस कमा रहे हो, और वो सिर्फ अभी हफ्ते के लिए आए, मतलब हफ्ते में हुए उसको आने के लिए। और तुरंत मिल गया यहाँ पे जॉब। यहाँ पे जॉब्स हैं और आपकी आईटी सेक्टर्स में काफी जॉब्स हैं। बस अगर आपको थाई आ गया यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जॉब आराम से लग गया। तो मेन आपको है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोर्स भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेज कोर्स 4 साल के होते हैं यहाँ पे यूजली, तो 4 साल इज़ अ गुड इनफ टाइम कि आप थाई सीख लो। क्योंकि थाई अगर आप जिस कंट्री में रहना चाहते हो वो लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए। अपने यहाँ जैसे बैचलर्स इंडिया में 3 साल का होता है, यहाँ पे चार साल यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन ये अमेरिकन स्टाइल है, तो 4 साल का होता है यहाँ पे। और हाँ, ये पूरा जैसे मेरा भी यूनिवर्सिटी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी को फॉलो करता है, उसका करिकुलम फॉलो करता है। तो जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है वो टॉप लेवल है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया में जैसे नाम के लिए इंटरनेशनल है, एक्सेप्टेड है। हाँ, जैसे दो लोग, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, पर सपोज अगर 2-3 क्या बोलते हैं नेपाली स्टूडेंट वो बोलते तो ये इंटरनेशनल बोल देते हैं इंडिया में, या 2-3 अफ्रीकन स्टूडेंट बोलते हैं ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोल देते हैं, पर वैसा नहीं है। इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल। अब ये बता रहे हैं इनके फ्रेंड्स सारे जर्मनी हैं, कोरियन, चाइनीज, थाई, नेपालीज भी है, रशियन, मतलब एवरीवेयर, मतलब इंटरनेशनल मीन्स इंटरनेशनल। हाँ, वो प्रॉपर इंटरनेशनल। मेरे को इंडियन नहीं मिले, मेरे क्लास में 2 इंडियन है और दोनों थाई एक्चुअली। हाँ, और वो थाई इंडियंस हैं जो यहीं पे बॉर्न है। और आप कंपेयर करो, क्योंकि मैं कंपेरिजन करता हूँ जो इंडिया में जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस हम 10-20 लाख में, हम जिसकी फ़ीस है अंडर ग्रेजुएट में, तो अगर आप वहाँ पे 10-20 लाख पे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे आके अगर आप 6-7 लाख पे कर रहे हो और रहने का 2 साल का, हाँ 2 साल नहीं होते यहाँ पे, 16 मंथ्स का, हाँ 16 मंथ्स का है, तो दो आप 16 मंथ्स का, बहुत लोग पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो मैं उसका छोड़ दे, हाँ उसका छोड़ के भी क्या, आपको काम नहीं करना, बस आपको एंजॉय करना, आपसे इंडिया से पैसे ले जाना, 20 लाख में आप यहाँ पे अच्छा से लाइफ जी सकते हो। आई थिंक 15 में कर सकते हो, 6 आप कहोगे 6 आप ऊपर से लगा लो। हाँ नहीं, मैं एकदम बहुत अच्छा से रहने, हाँ बहुत अच्छे से कह रहे हो, तो हाँ आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। तो मतलब आपका ये है कि अगर आपको सपोज इंडिया वापस जाना है, या आपको से इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, आपको इंडिया ही जाना है, तो यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सियाम यूनिवर्सिटी का मैं आपको इसका अपने क्या कहते हैं जय भाई का इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूंगा, और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट डाउन कर देना। तो सियाम यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है, माहिडोल है नंबर वन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मेन है यूनिवर्सिटी भी है, बट हाँ। वो एक्चुअली यहाँ के लोकल। देखो मेरा ये है कि जो लोग इंडिया वापस जाना चाहते हैं, वो अपने पर एक्सपोजर चाहते हैं बाहर का, हाँ तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी में, हाँ तो कोई भी ले लो एडमिशन, एंजॉय करो, एक्सपोजर लो, बैचलर में लो, MBA लो, पर यहाँ पे आके आप थोड़ा बहुत देखो। तो एक तो मैंने आपका इनका इंटरव्यू कर ही लिया जय भाई का, इसके बाद हम कैंपस टूर करेंगे पूरा आपका, पूरा आपकी क्लासरूम देखेंगे और आपका हॉस्टल देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। तो थैंक यू सो मच जय भाई आने के लिए हमारे क्या वीडियो में, और आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।